नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो मशीन की सुई और सलाख जो है और ये गज है ये निकालने अगर आप चेंज करना चाहें तो किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको कैसे निकालना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकते हैं किस तरीके से इसको निकालना है। बस लोगों को नहीं मालूम होता है किस तरीके से इसको निकालना है, तो यही चीज़ मैं इसमें बताऊँगा। फिर दोबारा मैं आपको इसको डाल के दिखाऊँगा किस तरीके से इसको फिट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना है, हमें अपनी पटरी बूट दो चीज़ें हमसे सबसे पहले हमें खोलना है और सुई भी खोल के रख देना है। तो हम इतना सबसे पहले कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको जो है सलाख को नीचे के लिए निकालते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कभी कदर जो है ये सुई के पास ये चीज़ जो है तिरछी होती है तो ऊपर जाके यहाँ पर फंस जाएगी। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम सुई को खोल लेते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सुई को खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको खोल लिया सुई को इसको देखिए ये चीज़ जो है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये चीज़ जो है ये कभी कभार तिरछी होती है तो जाके यहाँ पर बुश में जाके फंस जाती है, यहाँ पर इसमें जो है जाके फंस जाती है। तो इस वजह से जो है हम इसको नीचे के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो इसको नीचे के लिए निकालेंगे तो अब हमें क्या करना है, ये हमें जो है दांतों खोलना होंगे, ये वाले दांतों खोलने के बाद अब हम शटल को निकालेंगे और स्टॉपर को। तो दांतों हमें पूरे अलग नहीं नीचे से करना है, सिर्फ ये वाले पेंच हमें खोलना है तो इनको हम खोल लेते हैं। तो देखिए हमने इसके दांतुए निकाल लिए, दांतुए निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्टॉपर निकालना होगा और शटल। तो स्टॉपर के लिए हम देखिए सबसे पहले इसको खोलेंगे। इसको हम अलग कर लेते हैं। और ये चीज़ इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब शटल को हम निकाल लेंगे बाहर। तो शटल के पेंच हमको लूज करना है, वो अपने आप ही निकल आएगा। तो हम इसको घुमाते हैं। अब देखिए ये जो खाली वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये हमें ऊपर साइड में रखना होता है तभी ये निकलता है। एक कटोरी का हिस्सा हमने इधर कर दिया, अब एक खाली वाला इधर कर देंगे, अब ये जो है बाहर निकल आएगा। ये देखिए निकल आया, अब यहाँ पर कि हमें जगह खाली बिल्कुल मिल गई। तो ये चीज़ निकल आई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या क्या निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या इसमें खोला है इसको निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए ये पटरी हमने अलग करी है, ये बूट जो है इसको हमने निकाला है, बूट खोल लिया है, शटल को अलग करा है। शटल से पहले हमने ये जो है सुई और दांतुए ये निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्टॉपर खोला, आखिर में ये शटल का नंबर था, शटल खोल के रख दिया। तो ये इतनी चीज़ें हमने खोली हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हमने खोल दी हैं। 5 चीज़ें निकालने के बाद अब हम सलाख को खोलेंगे, तो हम इसको खोलते हैं। तो देखिए सलाख खोलने के लिए अब हमें जो है हम ये वाला पेंच खोल देंगे तो ये निकल आएगी। तो हम इसको हम ढीला कर लेते हैं। अब
तो ये देखिए ये इस तरीके से पेंच होता है, इस तरीके से पेंच। तो हमने जो है इसको ढीला कर लिया, खोल लिया। अब ये जो है इसको हम निकालते हैं। अब देखिए इसको निकालने के लिए वैसे तो ये अपने आप ही निकल आती है, ये देखिए ये अपने आप ही निकल आएगी। देखिए ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सलाख निकाल ली है। और इसमें जो है एक चीज़ और भी देख सकते हैं, अगर ये तिरछी है बीच में तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ढाल पे आप रखेंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल ही घूमती हुई निकल जाएगी, और अगर ये तिरछी होगी तो जो है ये रुकेगी नहीं, मतलब ये रुक जाएगी। और जो ये देखिए बिल्कुल गोल है, इस समय कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी लहर नहीं है, तो इस वजह से जो बिल्कुल ही जहाँ छोड़ देते हैं तो ये घूम के रुकती जाके नीचे। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको, और ऐसे भी देख सकते हैं कहीं पर आपकी फंस तो नहीं रही, तिरछी तो नहीं है, तो तिरछी नहीं होना चाहिए ये चीज़। अगर तिरछी होगी तो सीधी बहुत मुश्किल होती है, वरना नहीं नई ही ये पड़ती है। तो अब चलते हैं अपने इधर साइड में। तो देखिए यहाँ पर जो है अब ये चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ये चीज़ जो है देखिए ये बाहर निकल आई है, ये लगी होती है, तो इसको हम अब बाहर रख देते हैं निकाल के। तो ये हो गई। तो अब बात करते हैं इसकी, तो हमें अब इसको खोलना है। तो इसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है ये वाला पेंच, देखिए ये वाला जो पेंच होता है वो जिधर टाइट करते हैं हम लोग ना सारे पेंच, तो उधर साइड में ये खुलता है, ये उल्टा है इसका हिसाब। तो इससे जो है आप इसी तरीके से इसको खोलें, तो हम इसको खोलते हैं, जिधर साइड में ये टाइट होता है उधर साइड में ये खुलता है। तो ये देखिए तो ये खुल गया, ये खुल गया। अब जो है इसको देखिए हमने बाहर निकाल लिया ये चीज़, तो ये चीज़ जो है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया, अब इधर रख देते हैं। अब देखिए ये भी निकालना हमें बाकी है ना, तो इनको अगर निकालना चाहे निकालें और ना निकालना चाहे ना निकालें, इनकी वैसे ज़रूरत नहीं होती है निकालने की। अगर इसमें प्ले होती है जैसे कि ये रोट लगाते हैं ऊपर वाला, तो ज़्यादा नहीं खोलना पड़ता है कभी भी, लेकिन नीचे वाले इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो होता है ये वाला ना कंपनी तरफ से ये पढ़ के आता है, ये तो सही है चलता रहता है, लेकिन जब हम इसे बदल देते हैं पुराना हो जाता है दूसरा नया पड़ता है, तो उसमें क्या है वो फिट करने में थोड़ा सा ये इसमें लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसमें लूजिंग है ना तो उसमें जो है ये हिलती रहेगी ना ये चीज़, ये रोड जो है स्विस अलॉक ये हिलती रहेगी, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से इसको हमें देख के लेना होता है, अगर ये चीज़ जो है सुई हमारी सलांग इसमें नहीं फिट हो रही है, मतलब लूजिंग है, तो इसको हम देख के लेते हैं। तो दुकान पे कभी भी लें तो इसको जो है लगा के देख लें, या जिस तरीके का ये पड़ा हुआ है उसी तरीके के लें सलांग जो है, और ये साथ में लिए जाएं और इसी के नाप का आप लिए आएँ, ठीक है। तो इससे आम जो है गड़बड़ नहीं होगा, आपका बार बार बदलना नहीं पड़ेगा दुकान पर। इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इसको जो है ये वाला पेंच हम खोलते हैं, इसको हम ढीला कर लेते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद तो देखिए वैसे हमारे पास कोई इसके लिए टूल वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे किसी की इशारे के हिसाब इस तरीके का हमने पेंच कर लिया है, इससे हम ठोक देंगे। ध्यान रहे हमें इसके अंदर की जो वो ये चीज़ है इस ये ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये राउंड जो है ये चीज़ ये ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सलांग हमारी फिर से जाएगी ना, अगर ये लोहा यहाँ पर का पलट गया या ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये वैसे ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, जब ही निकालते हैं जब ये ख़राब हो जाती है, और जल्दी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो इसको जो है अब हम यहाँ पर इसको निकालते हैं, और ये काफ़ी मजबूत लगी होती है, तो इस तरीके से देखिए ये निकल रहा है, लेकिन जो है अब हम इसको साइड में ये निकल आया,
तो ये देखिए ये निकल आया है। ये चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसको हम लगा के सलाख को फिर से इसके अंदर देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है इसमें। तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। तो बस यही चीज़ देखना थी, क्योंकि दोबारा से हमें फिट करना होगा ना इसको, क्योंकि नई मशीन है ये, पुरानी नहीं है। तो जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर निकालें तो ध्यान से निकालें आप, अगर सीखना चाहते हैं तो। वैसे जो है ये चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब हम दोबारा इसको बाद में फिट करेंगे। तो इतनी चीज़ें निकल गई हैं। अब जो है ऊपर वाली भी इस तरीके से निकलती है, तो उसको मैं अभी नहीं निकालूंगा अब जो है। और ये लट्टू वगैरह जो है और ये सब मैं अगले वीडियो में खोल के दिखाऊंगा, फिर मैं इसको बांध के दिखाऊंगा। ये मैं पार्ट बनाए दे रहा हूँ यहाँ पर पार्ट, तो आप जो है वो देखते रहिएगा, हम एक एक करके डालते रहेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने क्या क्या यहाँ पर खोला है और इसको कैसे बांधेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे पार्ट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर का हिस्सा पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पर देखिए ये चीज़ें तो खोल ली है, तो आपको पता ही होगा, तो बूट वगैरह ये सब। अब ये चीज़ हमने खोली है, तो इसमें जो है इसमें हमने क्या क्या खोला है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पर जो है जब आप ये लेने जाएँ या दूसरी डाल लें, तो जो है इसी की नाप के लिए, तभी आप जो है अगर ये कभी को ख़राब हो जाए या अंदर से ये घिस जाए, लूज हो जाए, तो अगर आप ये इसको निकाल के लिए जाएं और इसी की साइज़ की ये लेके आए, ये रोड होती तो सब एक बराबर हैं, बस कभी कदार ऐसा होता है कि कम ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आप लिए जाएं दुकान पे, तो उससे जो है लूजिंग आपकी नहीं रहेगी। अब देखिए इसको जो है ये नीचे के लिए हम क्यों नहीं, ऊपर के लिए क्यों नहीं निकालते, देखिए हमने अरे ऐसे करके ये लगी थी ना, तो अगर हम इसको ये ऐसे करके फिट था, तो अगर हम ऊपर के लिए रोड निकालते तो ये देखिए बीच में ये फंस गई है रोड ना, ये देखिए ये फंसी हुई है, तो ये फंस चुकी है। अब हम इसको खींचेंगे तो ये सब बेकार हो जाएगा, इसमें फंस जाएगी ये रोड, क्योंकि यहाँ पर का हिस्सा हल्का सा तिरछा होता है, टेढ़ा होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसको जो है अब देखिए इधर से निकालेंगे तो ये बिल्कुल ही निकलती चली गई आराम से। तो ऐसे ही आपको नीचे के लिए निकालना है, इसी वजह से शटल वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी ये वीडियो नहीं ला रहे थे, ताकि इसमें बहुत टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो इस वजह से। तो ये जो तो ये तो चीज़ हो गई, इसको मैं बाद में बांध के आपको दिखाऊँगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने खोली हैं तो वो मैं आपको गिना देता हूँ। तो देखिए ये तो एक हो गया ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये अलग कर ली, और ये बूट, तीसरी चीज़, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ये निकली इसमें, आठवीं पटली, शटल, स्टापर। अब हम इधर आते हैं और ये जो है ये सुई वगैरह है, और ये इसमें जो है ये और जो है ये धातुएँ हैं। तो धातुएँ में देखिए यहाँ पर पैकिंग लगी थी थोड़ी सी, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको भी रख लेंगे। तो ये देखिए ये धातुओं में पैकिंग लगी थी छोटी सी, तो किधर साइड में लगे थी तो वो मैं देखूंगा, क्योंकि इसमें ऊंचा खाली होगा, इस वजह से इसमें पैकिंग लगा रखी थी कंपनी वालों ने, क्योंकि हमने अभी तक इसके दांते खोले ही नहीं थे, नई मशीन है ना, तो इस वजह से तो ये कंपनी वालों ने लगाई होगी, तो इसी वजह से जो है इसमें कहीं पर लगी होगी, इधर साइड में लगी होगी या तो इधर साइड में लगी होगी, ज़्यादातर इधर साइड में ही शायद इसमें निशान लगा है, तो यहाँ पर ही रखी होगी। तो इसको मैं बाद में देखूंगा। अब बाकी का ये जो है ये सब कुछ खुल चुका है, बाकी बूट का और लट्टू का हिस्सा जो है वो मैं अगली बार खोल के दिखाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे उसको बांधूंगा। इससे आप अच्छे से सीख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आप इसके पार्ट देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर। उससे क्या है कि आप उसमें पार्ट आपके बहेंगे नहीं, आप जाके एक एक करके सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।